स्ट्रैटेजी की है, कॉमन सेंस या रीजनिंग थोड़ी जी अप्लाई करके, जो प्रायर नॉलेज तुहाडे को है, बहुत थोड़ी नॉलेज है, उसनों अप्लाई करके असीं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। CDP 2023 दा रिपीटड जो पेपर 2 होया है उसनों तुहाडे सामने लैके आ रहा हाँ। रोहन 1991 लिखता है, बी नू डी लिखता है, ए स्थिति है। नॉर्मली मेरे ख्याल च जे तारे जमीन पर एकदम याद आती है फिल्म, मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी शब्द सही होएगा, औखा नहीं होएगा। मिरर इमेज इसनों कहते हैं, मिरर इमेज फिजिकल कोई संबंध नहीं है, एलिमिनेशन मैथड इतने अप्लाई कर सकते हाँ। स्पेशल नाल कोई संबंध दिखाई हाँ, थोड़ा जहा है वैसे लेकिन ओना नहीं है, क्योंकि साढ़े को बैटर ऑप्शन है हुन विजुअल तो लर्निंग विचों है, जे तुहानू नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ा लर्निंग नाल डायरैक्टली रिलेटड ने, दैट इज़ वर लर्निंग डिसबिलिटी। अदरवाइज तारे जमीन विचों तो डायरैक्ट इस लभ्या जा सकता है कि राइट आंसर केड़ा है। आइडिया स्टैंड फॉर कॉमन सेंस ना सॉल्व होने वाला है, इंडिविजुअल विद डिफरेंट एजुकेशन एक्ट मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए डिलीट किया गया। इंडिविजुअल्स एस है, इथे एस नहीं है, एस इज मीनिंगफुल। विद डिसबिलिटी एजुकेशन एक्ट, विद डिसबिलिटी एजुकेशनल एक्ट, ये सिर्फ फर्क लभना है, क्योंकि इंडिविजुअल्स विद डिसएबल्ड ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं बनता, इसलिए इसनों डिलीट किया जाता है। इन दोनों के राइट आंसर होएगा। नैचुरली है कि एक्ट जिहड़ा है एक इंडिविजुअल नहीं नहीं बनेगा, वह ज़्यादा इंडिविजुअली बनेगा, इसलिए राइट आंसर इसनों चुनिया जाता है। क्वेश्चन जिहड़ा कॉमन सेंस के बेस पर हो सकता है सॉल्व, जमात विच प्रश्न पूछन ते अध्यापक नर विद्यार्थियों तो उत्तर सुनन ते मनन ते ज़्यादा इच्छुक हैं, दी बजाए उन्हां दे हम रुतबा काउंटर पार्ट विद्यार्थियों तो, मतलब के मेल तो ज़्यादा सुनना है, पूछना है, फीमेल तो घट। नैचुरली है, साफ दिस रहा है कि एक पक्षपात है, पक्षपात है, क्योंकि समानता ये बिल्कुल नहीं है। निरपक्षता हो सकती सी, लेकिन निरपक्षता या इक्विटी जेड़ा इत्थे क्या है, इक्विटी दी विच डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव हुंदा है, इत्थे डिस्क्रिमिनेशन जेड़ा है नैगेटिव है। क्यों? क्योंकि इस इत्थे जदों तुसी जेड़ा वीक रह गया है, मान लो फीमेल वीक रह गई है, उसनू सपोर्ट एक्स्ट्रा दे रहे हो, एक्स्ट्रा कोचिंग दे रहे हो, इत्थे उल्टा है। जे फीमेल नॉर्मली वीकर सैक्शन चो आई है, जे फीमेल नू वीकर सैक्शन च रखिया जांदा है, जां क्लास विच ओ वीक ने, ते उहनां नाल होर उहनां नू डाउन किया जा रहा है, वो नैगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गई। जे इहनां नू अप किया जांदा, वादू हौसला दिता जाता, शाबाश वध दिती जाती है ना मेल के मुताबिक, तुसी भी कर सकते हो, तुसी भी मेल के मुताबिक हो, अच्छा हो, कर सकते हो, कोई भी शब्द प्रैक्टिस वरत के, तो वो इक्विटी बन जाना सी। जो उन्होंने डाउन किसी को लैके आने हाँ तो वह नैगेटिव ही रहेगा। सो ये भी रिजैक्टड हो, ये भी रिजैक्टड है, जेंडर कंसर्न न्यूट्रल है, रिजैक्ट हो गया सीधा, लिंग पक्षपात। कोई भी कॉमन सेंस ना क्वेश्चन हो रहा है, पढ़ाउंदे तीन धुरे हैं क्रियावां विच, ट्राईपोलर प्रोसैस ऑफ टीचिंग फॉलोइंग थ्री पोल्स इंटरकोनैक्टेड एक्सैप्ट है ना। सो कॉमन सेंस है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, जे पढ़ना लिखना है, टू पोल विच टीचर तो स्टूडेंट आंदे ही है, इस तो बिना तो एजुकेशन हो ही नहीं है, तीसरा केड़ा होएगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट मैटर करिकुलम जां इत्थे सोशल एनवायरमेंट जिहड़ा है एक्चुअल च नहीं दिता गया है ना, ये ऑप्शन नेक्स्ट टाइम हो सकती है। सो लीस्ट इंपॉर्टेंट यही दिखाई दे रहा है, असली इसनों राइट आंसर चुनांगे। इन विच कंसैप्ट टर्म प्रोक्सीमो डिस्टल सीक्वेंस इज यूज, मोस्टली जेडे स्टूडेंट सी कन्फ्यूज के विच हो, सब ने मेरे ख्याल मोस्टली ने दो डिलीट करते सी, लेकिन कई ने ग्रोथ ते डिवेलपमेंट लाया। देखो ग्रोथ का संबंध साइज नाल है, ये बच्चे का साइज वड्डा हो गया, डिवेलपमेंट का संबंध फंक्शनिंग नाल है, इंप्रूवमेंट नाल है। इत्थे डिवेलपमेंट नू किस तरह देखना सी कि इत्थों की साइज वड्डा हुंदा है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरह कि पहला शोल्डर का कंट्रोल वध्या, जो कंट्रोल वध्या फंक्शनिंग की इंप्रूवमेंट हो गई ना, इत्थे कंट्रोल वध्या, इत्थे कंट्रोल वध्या, इत्थे कंट्रोल वध्या,
हूँ इतने का कंट्रोल जो वध्या तो मैं इस तरह किन्ना सोहना लिख सकता हाँ, छोटा बच्चा नहीं सी लिख सकता, वो इस फड़दा ही इस तरह से हौली 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 करते हुए ये लास्ट प्रोक्सीमो डिस्टल ये जड़ा डिस्टेंस वाला कंट्रोल वध गया, मतलब इंप्रूवमेंट हो गई, फंक्शनिंग बैटर हो गई, फंक्शनिंग बैटर हो गई तो नैचुरली है डिवेलपमेंट के एरिए आ गया। सो ये कॉमन सेंस सी जी इन्नी नॉलेज होंगी कि प्रोक्सीमो डिस्टल सीक्वेंस दी ते डिवेलपमेंट दी डेफिनेशन विच कॉमननेस की है, इत्थे कंट्रोल है, कंट्रोल इंप्रूव है, कंट्रोल का ही संबंध फंक्शनिंग नाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन सेंस ना यूज होने वाला, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन द लोअर लैवल ऑफ ह्यूमन नीड एमनेट्स फ्रॉम, तुसीं हुण खुद सोच के देखो फिजियोलॉजिकल नीड विच फूड है, ठीक फूड चाहिदा है सानू, ऑक्सीजन चाहिदी है, एक बंदे नू सेल्फ एस्टीम की कहोगे कि फूड चाहिदी कि इज्जत चाहिदी, तीन दिन भुखा रह के मैं तैनू तीन दिन की इज्जत दिना हाँ तो वह लै लेगा, वह कहेगा इज्जत अपने कोल रख फूड मैनू चाहिदा है। हुण इसका कंपैरिजन सेफ्टी नाल करो, तुहानू सेफ्टी पहला चाहिदी है कि फूड पहला चाहिदा है, देखो जिहड़े बिलो पावर्टी लाइन रहिंदे हन उह किवें कचरे विच्चों भी अज भी इंडिया विच किन्ने करोड़ बच्चे जिहड़े हन माल न्यूट्रीशन बच्चे हन वह कचरे विच्चों चक के खा रहे हैं, मतलब कि सेफ्टी की तो उन्होंने कोई परवाह ही नहीं है, पहला जीण जगा फूड तो कर लीए, और वह भी पुअर क्वालिटी का फूड उन्होंने मिल रहा है। जिहड़ा BPL है बिलो पावर्टी लाइन की एग्जाम्पल तुहाडे कोल है, वह सारे किहदे लई लड़ रहे ने, फूड लई लड़ रहे ने। केवल ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ना, तुसी अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, धोनी, कोहली ये बनना चाहते हो कि पहला खाना चाहते हो, जिसनु खाना मिलता है वही सेफ्टी बल जाएगा, वही इज्जत लेना चाहेगा, फिर वही एक्चुअलाइज होना चाहेगा, इस तरह मन रही है। सो फिजिकल नीड फिजियोलॉजिकल नीड साड़ी सब तो नीवे लैवल की है, जे नीवे लैवल की पूरी होंगी है तो ही अगे बढ़ते हैं। मैस्लो की हायरार्की विच फिजियोलॉजिकल नीड इट्स ब्रेकफास्ट, भुखे बच्चे नूं पुछोगे दो ते दो चार की है, उसने कहना चार रोटियां, भुखे दी कोठी विच दाने उहदे कमले भी सियाने। कॉमन सेंस नाल बिहेवियरल चेंजेस ब्रॉट आउट बाय फैक्टर लाइक फटीक, तुसी अज थक गए हो, फटीक तो बाद रेस्ट कर ली फिर वापस उस स्टेट च आ गए, तुसी अज ड्रिंक कर ली है रात भर पी के, नैक्सट डे फिर उस हालत च आ गए, तुसी अज बीमार होए हो मेडिसन ले ली दो दिन बाद फिर सेम स्टेज विच आ गए। सो तीन एग्जाम्पल की दस रही हैं कि अस्थाई सुभा है, ट्रांजिटरी सुभा है, इसलिए राइट आंसर ये होएगा। इमोशनल होर शोर करना है तो मैच्योरेशन जो कन्फ्यूज करती है तो इसनों छड़ भी सकते हाँ, इमोशनल सिचुएशन है, अज अग्रैशन आया है, अज गुस्सा आया है ना, थोड़े टाइम बाद फिर तुसी नॉर्मल हो जाते हो, सो ये ट्रांजिटरी है। ए चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर इवेलुएट द ट्रुथ विच काइंड ऑफ थिंकिंग इज यूज बाय द चाइल्ड, अस्थैटिक थिंकिंग है कि जो तुसी तारीफ करते हो ब्यूटी की, सुहप्पण की, सोहनेपन की तारीफ करते हो किसी लड़की की कुदरत की रुख की है ना, क्रिएटिव है कि तुसी नवा जनरेट करते हो, न्यू प्रोड्यूस करते हो आइडिया या प्रोडक्ट। सो ये बार हो गई, साढ़े को बची लॉजिकल थिंकिंग ते रीजनिंग, ए कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि लॉजिकल ते रीजनिंग थिंकिंग जड़ा है वो वर्ड बड़े कॉमनली सिनोनिमसली यूज़ किए जाते हैं, पर पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया है तो राइट आंसर लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा दिता गया है, दैट इज़ वाई असी ये फेवर से जा रहे हैं। साधारण गलबात पद्धर से एक बच्चा बोलन दियाँ आवाज़ा नहीं सुनता, घट सुन का पद्धर दसो, ए चाइल्ड हैज नो स्पीच साउंड एट ए नॉर्मल कन्वरसेशन लैवल, आइडेंटिफाई द लैवल ऑफ हेयरिंग लॉस मेयर्ड बाय डेसीबल, ए मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या जा सकता, मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या जा सकता है। इसका मतलब की है कि दो जने आपस में गल कर रहे हैं जिनी उच्ची आवाज विच बोलना चाहिए है, तो एक मान लो इस शख्स न वो गलबात विच शामिल है भी सुनाई नहीं दिंदा, इहदा मतलब होएगा कि पहली ऑप्शन है कि थोड़ी जी आवाज़ भी जिसनों सुन जाती है, नॉर्मल बिल्कुल ठीक बंदा है उसनों इन्नी आवाज़ सुन जाती है, नैचुरली है इसनों थोड़ी आवाज़ गलबात भी नहीं सुनती, ये दो ऑप्शन इतों डिलीट किए जा सकते हैं, इन्हां दोनों विचों राइट ऑप्शन होएगा, एक्सैसिव नूं छड के इत्थे इसनों ऑप्ट किया जा रहा है,
इहदे पिछे लॉजिक की है देख लीए। डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड। मॉडरेट हेयरिंग लॉस ए परसन विद ए मॉडरेट हेयरिंग लॉस मे हेयर ऑलमोस्ट नो स्पीच व्हेन अनदर पर्सन इज टॉकिंग एट नॉर्मल लेवल। इट मीन्स मॉडरेट हेयरिंग लॉस इज द राइट आंसर है। मॉडरेट हेयरिंग लॉस किन्ने तक हुंदा है? मॉडरेट हेयरिंग लॉस 41 टू 55 तक हुंदा है। ठीक, थोड़ी बहुत ही रेंज अप डाउन हो सकती है। हुण असीं देखना है कि साडे कोल इस दा जिहड़ा आंसर है 41 टू 55 दे करीब किहड़ा है, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन विच रखिया गया है 41 टू 55 दे करीब। सो ए राइट आंसर बन रहा है डी, क्योंकि ए 41 तो नीचे है इसलिए डिलीट हो रहा है, ए तो पक्का डिलीट हो चुका है, ए ऊपर जा रहा है। राइट आंसर डी श्योर असी कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या जा सकता है? चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैव स्पेशल नीड ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ। SC OBC ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਗਰਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ SC BC ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਇਹ ਸੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਵਰਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਚਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਚਰਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਸ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਬਰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਰਲਸ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਕੀ ਹੋਈਆਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਬਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 11-12-13-14-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।